टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा बाईपास से लगकर जो ग्रीन विला इमारत है, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है MMRDA द्वारा जो है खुदाई किया गया था, यहाँ पर MMRDA का जो है काम जो है शुरू किया गया था। दरअसल उस वक्त जो बात सामने आई थी कि MMRDA के काम के वजह से जो ग्रीन विला ये इमारत है, ये इमारत जो है कुछ इसमें डैमेज हो गया था, जिसे धोखादायक इसे घोषित किया गया था। उस वक्त कहा गया था इन जो इस इमारत में रहने वाले लोग हैं कि उन्हें दोस्ती में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा इनसे कहा गया था। लेकिन कई दिन गुजर चुके हैं और इस इमारत में जो रहने वाले लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि वो डर के साए में इस इमारत में आज भी रहने को मजबूर है। आम आदमी पार्टी के अबू अल्तमस फैजी आज जो है इस ग्रीन विला इमारत में जो रहने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, उन्हीं से बात करते हैं। आज आप यहाँ पर आए फैजी साहब, क्या है पूरा मामला ये और क्या इन लोगों को जो शिफ्टिंग की बात हुई थी उसको लेकर आप क्या अधिकारियों से बातचीत किए कि आखिर क्यों नहीं उन्हें शिफ्ट किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुंब्रा के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप सोशल मीडिया ही हो। मुझे तो पहले पता नहीं था, आप लोगों का ही वीडियो मुझे देख करके पता चला कि आप लोग आए थे, ऐसा ऐसा हादसा हुआ। सबसे पहले पहुंचने वाले सही मानों में आप लोग हो, आप लोग काबिले तारीफ हो, आप लोगों को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, आप ही लोगों के ज़रिए मुझे पता चला। लेकिन जब हमने देखा, हम लोग आम आदमी पार्टी हर चीज़ में बिलावजह कूदती नहीं है, ये आदत नहीं है के, और जब हमको पता चला कि 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए और आज तक चाबी नहीं मिला। फैजी साहब, जिस तरह से अभी तक इसमें लोग रह रहे हैं और उन्हें काफ़ी डर लग रहा है, तो आप अपनी तरफ से कौन कौन से अधिकारियों से मुलाकात किए इनके लिए कि इन्हें रहने के लिए शिफ्टिंग दी जाए, और क्या आपने इसके मामले में कहीं और भी कुछ कंप्लेंट वगैरह की है? जी, दरअसल जब ये सब हादसा होने के तकरीबन 9 दिन गुजर चुके थे तो आप लोगों के ज़रिए फिर एक से और वीडियो जो है वायरल हुआ कि साहब ये लोग जो है अपने घरों में जो है डर के रह रहे हैं, बहुत मजबूरी में रह रहे हैं, कोई बाहर सो रहा है, सो नहीं पा रहे, यहाँ पर हेवी व्हीकल गुजर रही है उसके वजह से भी धड़कन बढ़ जाती है, हिलने लगती है ज़मीनें। तो हमने आने से पहले, हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं किया, हमने आने से पहले ये MMRDA के चेयरमैन को, चीफ मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, यहाँ TMC के जो हमारे ऑल इन ऑल हैं अधिकारी जितने हैं, सारे लोगों को पहले लेटर लिखा कि आप फौरन कार्रवाई कीजिए, अगर कुछ होता है इसके जिम्मेदार सब लोग होंगे। तो CM के तरफ से उसका जवाब भी आया कि हमने इसको फॉरवर्ड कंसर्न इसको कर दिया है और इसके ऊपर फौरन कार्रवाई होगी, ये हमने भेज दिया था। और आज हम आए हैं, यानी भेजने के आज हम दूसरे दिन हम आए हैं कि पूछने के लिए कि वाकई क्या कुछ हो रहा है। तो हमने, मुझे पता चला कि अभी तक यहाँ पर कोई आए नहीं। और भी इस इमारत में रहने वाली तमाम महिलाएं हमारे साथ यहां पर मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोगों को जब, जिस वक्त ये इमारत धोखादायक हुई थी उस वक्त आप लोगों से क्या कहा गया था? जिस दिन पहले दिन जब बिल्डिंग को डैमेज हो गई थी तो लोगों ने, जो कौन था वो, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने फ़ोन लगा के बोला कितने घर है, हाँ कितने घर है, लोगों ने बोले 32 घर है। अच्छा ठीक है, मैं 32 चावियों का इंतज़ाम कर लेता हूँ, आज की रात तुम इधर रहना नहीं, किसी भी तरह से तुम कहीं भी आज निकल जाओ, कल सुबह 10-11 बजे तक तुम्हें चावी दे देते। उस वक्त क्या कहा गया था कि इमारत धोखादायक है, ऐसा कहा गया था आप लोगों से? और MMRDA के लोगों ने क्या कहा था, आप लोग को रूम देंगे रहने के, यानी बिल्डिंग में चढ़ो भी मत, यानी जो है तुम जल्दी जल्दी निकल जाओ बाहर, यानी जल्दी निकल जाओ, कोई घर ऊपर चढ़ना नहीं और रहना नहीं, बराबर है? यानी 12 घंटे अगर तुम ऊपर चढ़ने का, आज 12 दिन हो गए, हाँ तो तुम लोगों के जानों से खिलवाड़ कर रहे के नहीं, हाँ इनके जानों का कौन जिम्मेदार है? अगर आज अगर बिल्डिंग गिर जाती है, लोग दब के मर जाते, इनका भरपाया कौन देगा? जान तो ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम लोग, यहाँ के जो स्थानीय समाज सेवक हैं रेहान पीतल वाला, हाँ। वो भी यहाँ पर आए थे और कहा था कि हम आप लोगों को चाबी दिलाएंगे, हाँ। और खैर वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे आप लोग मिले, कुछ बात किए, क्या उन्होंने कुछ कहा है आप लोगों से?
अभी वो तो उन्होंने भी यही बोले कि हो जाएगा, बाकी अभी तक ये कुछ हुआ नहीं है। गए उनके ऑफिस में आप लोग? गए थे ना, सब गए थे। क्या बोले वो? बोले दो दिन रुको, फिर बोले 5 दिन रुको, मैं चाबी का बंदोबस्त करता हूँ बोले। फिर हम लोग आगे वही राह देख रहे, आज भी जाने वाले थे रियान सर के पास, लेकिन रियान सर तो चले गए। फिर सोचे कल सुबह में जाएंगे, उनसे बात करेंगे क्या बोलते हैं। क्या ऐसे ऐसी इमारत में रह रहे तो क्या आप लोगों को डर वगैरह लग रहा है? नहीं, एक काम करो ना, तुम सिर्फ एक रूम में जाओ, उधर का पिक्चर लो, और तुम उधर कितने देर खड़े रह सकते, तुम्हारा जो जिगर है वो कितने देर खड़ा बर्दाश्त कर सकता है वो क्रैक देख के, तुम रह सकते क्या? देखो, लेकिन ये गरीब लोग सब उधर रह रहे बच्चों को लेके, हाँ, अगर इनके पास इतनी ताकत हो जाओ देखो घर में जाकर देखो कितने क्रैक है, पूरा घर क्रैक हो गया। रियान सर को सब जाके बुला के लेके आए, यहाँ पर आए वो, और देखकर बोले कि सबको साहब लोग को बुलाए, जितने साहब लोग थे उनको सब बुलाए, बुला के बातचीत कराए उनसे, कि उन लोग देख के साहब लोग ऊपर चढ़ के सील मारने के घरों को, तो कुछ लोग बोले अरे हम लोग कहाँ जाएंगे सील मार रहे, फिक्र मत करो तुमको घर मिल जाएगा, मगर इस टाइम तुम्हारा उतरना ज़रूरी है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, इतनी गारंटी के साथ बोले। और बड़े बड़े इंजीनियर उठा लेते, जब फायदा खत्म हो जाता ना फिर गरीब को पूछते भी नहीं। तो ये ज्यादा करके सिर्फ अल्लाह के वाले लोग ने नुकसान किया हम लोग का, 80 फुट खोदे, 80 फुट वो लोग का थोड़ा खोदने चाहिए था, पूरा एकदम खोद के मट्टी फटाफट डाले के कोई देखे नहीं, कि ये है ना पैक करके रख दे, यही तो बहुत बड़ा है ना, लोग ने चिल्लाए ना कि इतना बड़ा क्यों खोदे, वही जो काम कर रहे थे वो लोग बोल रहे थे पूरी खिसकी जमीन है ना, पूरी खिसक गई, जब आए फटाफट मट्टी डाल के चले गए। बहरहाल अभी आप लोगों की मांग क्या है, क्या इस एक ही है कि हम लोग के मासूम छोटे छोटे बच्चे, कभी रात को खुदा ना खास्ता अचानक कुछ हादसा हुआ, इसके जिम्मेदारी कौन है? वो MMAD कौन है जिम्मेदारी, जो हम लोग को एक घंटे में बोले थे खाली करो, या तो हमारी बिल्डिंग अच्छी से रिपेयरिंग करके दो या तो हम लोग को चाबी दो, क्योंकि हम लोग का नुकसान है ना ये लोग नहीं किए, क्योंकि हम लोग की बिल्डिंग सही थी, 12 साल हो गए न इसमें खराश नहीं थी, सब अच्छा हंसी खुशी अपने बच्चे लोग के साथ रह रहे थे, जब से यहाँ तक काम आया इसके वजह से सब मजबूर परेशान हो गए, पूरे परेशान है, रो रहे रात दिन के, दुआ कर रहे क्या होगा क्या होगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो ग्रीन विला के लोग हैं उन लोगों ने किस तरह से बताया कि वो किस तरह से जो है डर के साए में इस इमारत में रहते हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त इनसे कहा गया था कि उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आज करीब 12 से 14 दिन गुजर गए हैं, लेकिन वो लोग इसी इमारत में रहने को डर के साए में जी रहे हैं। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।